और एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपनी एक अनदर ट्रिप पर, और अभी पता चलेगा आपको कि हम कहाँ विज़िट करने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा क्या क्या है इस वीडियो में। और यहाँ से जो है पार्किंग के लिए पर्ची कटती है, कार पार्किंग के लिए 150 का लगता है, जो टोकन हम दे चुके हैं। रास्ता बहुत अच्छा है और आगे देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। वेलकम बैक टू आर अनदर व्लॉग। और इस बार हम निकले हैं पूर्णा गिर टेम्पल के दर्शन करने। पूर्णा गिर जो है उत्तराखंड में सिचुएटेड है, और हम यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे हम घूम सकते हैं, यहाँ आने का क्या क्या तरीका है, और यहाँ पे रहने का और खाने का क्या अरेंजमेंट है। तो आप चलते हैं आगे और मेरे साथ इंजॉय करिए आप पूर्णा गिर के दर्शन। नज़ारे आप देख ही सकते हो कितने खूबसूरत हैं। और अब तो आपको पता चल ही चुका है कि कहाँ पर हम इस बार विज़िट कर रहे हैं, माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं। और इस समय यहाँ पर लगा हुआ है मेला और भक्तगण आप देख ही सकते हो। और ये क्या हुआ, पहुँचते ही बारिश शुरू, अब कैसे होंगे दर्शन। बहुत देर से बारिश हो रही है, कोई स्टे के लिए हमारे पास जगह नहीं है, फ़िलहाल तो कार में ही हैं। आगे का पता नहीं कैसे दर्शन होंगे, कैसे कहाँ रुकेंगे, देखते हैं आगे। हमने चढ़ाई शुरू करी है अब माता के दर्शन के लिए, तो कुछ हम सीढ़ियों के रास्ते जो है कवर करेंगे, कुछ हम पैदल चलेंगे। तो अभी बीच में ये शॉर्टकट मिला है और किसी ने हमें बताया कि यहाँ से आप जा सकते हो, तो अभी हम इसको कवर करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा घना सा ये जंगल है। तो फाइनली हमको स्टे मिल गया है यहाँ पर। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक गेस्ट हाउस है जो लीज़ पर लिया हुआ है, तो फ़िलहाल के लिए तो हमने टेम्प्रेरी बेस पे वहीं पे एक कमरा जो है वो बुक कर लिया है। तो वहीं से ये एक शॉर्टकट है जो माता रानी के लिए ऊपर के लिए जो रास्ता है वहाँ जाता है। तो ये पूरा घने जंगल से जाता हुआ रास्ता है, कोई यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक यहाँ इसको यूज़ नहीं करती है, हमने ये शॉर्टकट लिया है। नेचर आप देख सकते हो, क्या ही बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ के, एकदम घना जंगल है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी इस समय बहुत गिरा हुआ है। और ये एक बहुत पुराना पुल है कोई, जो आगे सीढ़ियों को जोड़ता है, तो इस पर अभी हम आए हैं ऊपर। और ये रास्ता जो है आगे भैरव मंदिर के लिए ही निकलता है। अब हम आ चुके हैं पूर्णागिरी माता के मंदिर के मेन गेट के पास, जहाँ से आप अंदर जाओगे और आप दर्शन कर सकोगे। तो ये सारा लोकल मार्केट है, तो पर एक सजेशन है, अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप ऊपर आके ही लो, अदरवाइज नीचे से आप चढ़ के भी आओगे और साथ में सामान कैरी करोगे तो आपके लिए थोड़ा हैवी हो सकता है। साथ में मेन गेट के पास यहाँ पे भैरव बाबा मंदिर का मेन थाना भी है, जहाँ पे अगर आपका कोई सामान हो गया है तो वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो। तो ये है मेरे पीछे मेन एंट्री गेट, जिससे अब हम अंदर जाएंगे और मेन जो चढ़ाई का है मंदिर के दर्शन का वो एरिया शुरू होगा, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। और नीचे आप देख सकते हो मेरे राइट हैंड पे ही भैरव मंदिर का जो है वहाँ पे द्वार बना हुआ है, वहीं से हम ऊपर आए हैं। तो भैरव मंदिर के हम जब माता रानी के दर्शन हो जाएंगे उसके बाद ही दर्शन करेंगे। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे रुकने के अरेंजमेंट्स ऐसे यहाँ पे लोगों ने बना रखे हैं, इसमें सिर्फ गद्दे ही गद्दे बिछे होते हैं, साथ में अटैच वॉशरूम्स होते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें इनके कोई चार्जेस नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते, कोई फीस नहीं है। आपको अपने मन से कुछ देना हो तो आप दे सकते हो। और ये पीछे ये पूरा ऐसे इनका मार्केट है, अगर बैक साइड आप देखते हो तो यहाँ पर थोड़े रूम्स भी अवेलेबल हैं, वॉशरूम अटैच नहीं है, पर यह है कि थोड़ा टाइम के लिए अगर आपको रेस्ट करना है कुछ करना है तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। बट अगर आप बेस्ट होटल ढूंढ रहे हो तो उसके लिए आपको नीचे टनकपुर जाना होगा, वहाँ पे अपनी बुकिंग ऑलरेडी आपको करा के रखनी होगी। थोड़ा सा फाइट है यहाँ पे रुकने के लिए, आप 2-3 घंटे के लिए तो रेस्ट कर सकते हो, पर अगर आप वन नाइट स्टे देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप नीचे टनकपुर जाओ यहाँ से और वहाँ पर रुको। और ऐसे यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए हैं जो मैंने आपको बताया था, और इसी के साथ ये है यहाँ पे इनका रेस्ट एरिया, आप देख सकते हो। ऐसे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कहीं पे भी आप रुक सकते हो, बट रूम्स नहीं हैं और कोई प्रॉपर होटल नहीं है। 2-3 घंटे के लिए अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर आके रुक सकते हो। और ये आंटी से वरुण जो हैं हमारे लिए जो है प्रसाद लेते हुए, और इनसे शायद कुछ आगे की इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं।
तो अब हम अपनी चढ़ाई जो है यहाँ से शुरू करेंगे माता रानी के दर्शन के लिए। तो हमने ऑलमोस्ट रास्ता जो है कवर कर लिया है और पीछे अगर आप मेरे गेट देख रहे हो तो यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक मेरे पीछे जा रहा है, ये थोड़ा ढलान वाला है, वॉकिंग स्टेप्स है। और अगर आप मेरे पीछे ये जो गेट देख रहे हो यहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट होती हैं। तो लोग प्रेफर जो करते हैं वो वॉकिंग स्टेप्स वाला प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे थकान जो है बहुत कम होती है, स्टेयर से थकान जल्दी होती है। तो हम भी जो है वॉकिंग स्टेप्स वाला जो है एरिया कवर कर रहे हैं और उसके द्वारा जो है अब हम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। शाम का टाइम है, अंधेरा बहुत हो रहा है और ये है झूठे का मंदिर। इसकी भी अपनी एक अद्भुत कहानी है। कहा यह जाता है पीलीभीत का एक धन्ना सेठ था जिसकी मनोकामना जब पूर्ण हुई तो उसने झूठ बोल के सोने का मंदिर की जगह पीतल का मंदिर यहाँ पर स्थापित कर दिया और उसके बाद से ये मंदिर कभी यहाँ से हटा ही नहीं। और ये वही जगह है जहाँ से अब पैदल चढ़ाई जो होती है वो सीढ़ियों की शुरू होती है, जिसके ऊपर जाने के लिए 448 स्टेयर्स है और नीचे आने के लिए 482 स्टेयर्स है। तो ये मंदिर समिति के लिए यूज़ होता है जैसे जो तो मंदिर की व्यवस्था होती है उसमें आते हैं। अच्छा, तो माँ पूर्णागिरी के दर्शन हो चुके हैं और आप बस पीछे मेरे देख सकते हो मंदिर। और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसके बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन करने हैं, साथ में काली माता के दर्शन करने हैं। तो माँ पूर्णागिरी का जो मान्यता है वो ये है कि जब शिव जी माँ सती का पार्थिव शरीर लेके कैलाश की ओर जा रहे थे तो जो उनका शरीर का नाभि का हिस्सा था वो यहाँ पे गिरा था और तब से इस जगह का नाम माँ पूर्णागिरी हो गया। और उसके बाद से हम इसको सिद्धपीठ के उसमें मानते हैं और लोग इसको उसी मान्यता के अनुसार यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और बाद में और भी दर्शन करेंगे। माता रानी के दर्शन के बाद अब हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम कर रहे हैं काली माता के दर्शन और इसके बाद हम करेंगे भैरव बाबा के दर्शन जो कि माता रानी के दर्शन के बाद ही होते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी, यहाँ पे लोग जैसे कि पहले ज़माने में बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी वैसे ही अब भी लेके आते हैं, पर अब बस वो इतना करते हैं बकरे को लाते हैं और उसका जो कुछ बाल होता है वो यहाँ माता रानी के द्वार पे चढ़ा देते हैं, बाकी बकरे को वापस ले जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने पूर्णागिरी माता के दर्शन पूरे किए और हम इतने भाग्यशाली थे कि दर्शन पूरे हुए।